महाराष्ट्र में सवाल धर्मांतरण पर उठते हैं जब बीएसपी की बात होती है, चाहे कांशीराम साहब पर हो या बहन जी पर हो। मैं समझता हूँ इस देश में बहुजन समाज पार्टी ही हिस्सा रही है, और बहुजन समाज पार्टी पैदा ही इसलिए हुई है कि भारत को बुद्धमय करना है। इसके पहले आने वालों की संख्या कम थी। ये बहुजन समाज पार्टी का पूरे देश भर में आंदोलन का असर है कि बहुजन समाज पार्टी सिर्फ पार्टी नहीं लेके जाती है, बुद्ध लेके जाती है। अभी हमारा शोषण क्यों हो रहा है कि हम बुद्ध को फॉलो नहीं कर रहे, इसलिए हमारा शोषण हो रहा है। जब हम सोशली लिटरेट हो जाएंगे, यानी बुद्धिस्ट हो जाएंगे। भाई बुद्धिस्ट करने का क्या मतलब है कि सोशली लिटरेट करना है लोगों को। बहुजन समाज पार्टी जो है, एक पार्टी करके हम लोग पीछे गए होंगे, लेकिन बहुजन समाज पार्टी का ही आउटपुट है कि इस देश में बाबा साहब और बुद्ध की चल रही है। आज बसपा नहीं, तेली कुनबी कलार जो है, बहुजन समाज में बाबा साहब ले गए, बुद्ध ले गए। इनका तो कोसरा बावड़ा नहीं खत्म हुआ। चार तो बड़ा अच्छा है बीएसपी का, लेकिन वो सफल नहीं हो रहा है। वहाँ पर सफल नहीं हो रहा जहाँ पर फुले शाहू बाबा साहब है, वहाँ सफल नहीं हो रहा है। मुझे बताओ कि बाबा साहब ने बोला कांग्रेस जलता हुआ घर है, ये कांग्रेस क्यों वोट दे रहे हैं? जितने बाबा साहब के पुतले एक जिले में है, उतने गांधी के देश भर में नहीं है। लेकिन चलती किसकी है? गांधी की चलती की बाबा साहब की चलती है? दलितों के साथ खाना खाते है? मुझे गांधी जी खाना खाते थे दलितों के। खाना खाना मुझे क्या होना, वो तो कुत्ते के साथ भी खाना खा लेते। कुत्ते के वो जो है ना, वो कोई विषय नहीं। खाना खाना मुझे देखो यार, एहसान करेगा खाना खाने, वो इतने गए भी थे क्या? अबे हम उनके साथ खाना नहीं खाते। दो कौड़ी के लोग 15% उनकी क्या औकात है कि वो एहसान बताएंगे हमारे साथ खाना खा रहे? अबे हम तुम्हारे साथ साले इस देश में तुमको रहने दे रहे हम। और 8,700 करोड़ जो दलितों का SC ST OBC का स्कॉलरशिप का फंड था, स्कूलों का जो भी फंड था, वो फंड लैप्स कर दिए, और उसके एवज में 710 करोड़ रुपए बुद्धिजीवियों को दिए। बोले 710 करोड़ बुद्धिहार, और हमारे चमचे बड़े हुए उनके पाले हुए कुत्ते ये घूम रहे, बुद्धिहार बनाओ बुद्धिहार बनाओ बुद्धिहार बनाओ। अरे बहुजन समाज पार्टी की सरकार आएंगे तो गांधी के पुतले बनाएंगे, और नोटों पे बाबा साहब और फुले साहब अंबेडकर की फोटो रहेंगी। साधु जय भीम, मैं हूं इंजीनियर स्नेहा और आप देख रहे हैं नेशनल चौपाल। इस वक्त हम नागपुर की दीक्षा भूमि में है, जहाँ पर लाखों की संख्या में लोग देश विदेशों से आ रहे हैं, अलग अलग राज्यों से यहाँ पहुँच रहे हैं, अलग अलग जिलों से पहुँच रहे हैं। बता दें कि धर्मांतरण महोत्सव को लेकर लोगों के अंदर एक अलग उत्साह है। इसी के साथ साथ धम्मचक्र प्रवर्तन दिवस और का विजयादशमी, ये कुल मिलाकर इन मामलों को लेकर बहुजन समाज पार्टी जो कि एक राजनीतिक मूवमेंट है, वो क्या सोचते हैं? सर कैसे देख रहे हैं इस धर्मांतरण के आंदोलन को? बाबा साहब अम्बेडकर ने जो कन्वर्जन किया इसको, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी जो है वो क्या इसका कभी हिस्सा रही है, समर्थक रही है कि नहीं रही है? बहुजन समाज पार्टी हिस्सा रही है कि नहीं रही है? मैं समझता हूँ इस देश में बहुजन समाज पार्टी ही हिस्सा रही है, और बहुजन समाज पार्टी पैदा ही इसलिए हुई है कि भारत को बुद्धमय करना है। और हम देखते हैं कि उसके रिजल्ट भी है। बहुजन समाज पार्टी को जो है लोग जो है अलग अलग तरीके से देखते हैं। अब मनुवादी देखते हैं, उनका समझ में आता है, लेकिन बहुजन समाज के लोग भी जो है, ये बहुजन समाज पार्टी को जो देखने का नजरिया अगर उनका स्ट्रांग नहीं है, तो ये उनकी सोशल अनलिटरेसी है। क्योंकि बाबा साहब ने क्या बोला, कहा था, प्रण किया था कि मैं भारत बुद्धमय करूंगा। तो भारत बुद्धमय करना मुझे क्या क्या करना है? तो भाई ये नारा किसने दिया? तो ये तो बाबा साहब का नारा है ना, तो ये कांशीराम साहब ने दिया कि इस देश के जो लोग हैं, आज हम देखते हैं कि यहाँ पर आप देखो यूपी के लोग हैं, यानी देश के लोग हैं। इसके पहले आने वालों की संख्या कम थी। ये बहुजन समाज पार्टी का पूरे देश भर में आंदोलन का असर है कि बहुजन समाज पार्टी सिर्फ पार्टी नहीं लेके जाती है, बुद्ध लेके जाती है। कि बुद्ध भारत को बुद्धमय करना यही लक्ष्य है। अब भारत को बुद्धमय करना मुझे क्या करना, कि भारत में जो है कि जो ये आइडियोलॉजिकल, जैसे अभी हमारा शोषण क्यों हो रहा है कि हम बुद्ध को फॉलो नहीं कर रहे, इसलिए हमारा शोषण हो रहा है। जब हम सोशली लिटरेट हो जाएंगे, यानी बुद्धिस्ट हो जाएंगे। भाई बुद्धिस्ट करने का क्या मतलब है कि सोशली लिटरेट करना है लोगों को, है ना। अब लिटरेट होना मुझे क्या होना, पढ़ लिख लेना मुझे लिटरेट होना नहीं है। अब यहाँ तो बहुत से पढ़े लिखे लोग हैं। अब जो पढ़े लिखे लोग हैं वो क्या है कि लक्ष्य का निर्धारण करना, लक्ष्य की ओर करना, वो लिटरेट होना है। अब यहाँ पे कैसे इतने पढ़े लिखे लोग गए? अभी हम लोग में पिछले साल हर साल देखते हैं कि कितने सारे पॉम्पलेट यहाँ पे बांट रहे। हर आदमी का, हर संगठन का सेंस अलग है, है ना। अभी हम लोग एक पेंडाल में मिले, तो हमारे वो गोंदिया के ही सज्जन है, तो मैं बोला यार कई साल के बाद मिले तो जय भी मिला, तो मतलब को गोंदिया छोड़ दिया क्या? नहीं, बोले एक संगठन चलाते, मैं नाम नहीं लेता उस संगठन का,
तो बोले नहीं, बोले ये संगठन के काम से बाहर बाहर जाना पड़ता है। अरे भैया अपने गांव में काम करना, तू अब उसके गांव में जा रहा है, वो उसके गांव में कर क्या रहे तुम भाई? मैंने रिजल्ट, हम काम करने के लिए नहीं करते। बहुजन समाज पार्टी जो है, एक पार्टी करके हम लोग पीछे गए होंगे, लेकिन बहुजन समाज पार्टी का ही आउटपुट है कि इस देश में बाबा साहब और बुद्ध की चल रही है। लेकिन महाराष्ट्र में सवाल धर्मांतरण पर उठते हैं जब बीएसपी की बात होती है, चाहे कांशीराम साहब पर हो या बहन जी पर हो। देखो वो कौन उठा रहे, वो चमचे भड़वे उठा रहे भैया, इनका कोसरा। देखो आज बसपा नहीं, तेली कुनबी कलार जो है बहुजन समाज में बाबा साहब ले गए, बुद्ध ले गए, इनका तो कोसरा भावना नहीं खत्म हुआ। ऐसे लोग जो कांग्रेसी लोग, ये जो जितने बहुत सारे जो पेंडाल दुकान लगा के है, मैक्सिमम, मैं सभी का नहीं बोल रहा हूं, तो ये बेसिकली कांग्रेसी लोग है, ये बेसिकली बीजेपी के लोग है। ये पता नहीं बीएसपी से इतनी नफरत क्यों करते। अरे मुझे बताओ, आज बसपा में ही आपको ओबीसी का आदमी मिलेगा और वो भी मिशनरी मिलेगा। आप बताओ इनकी पार्टी में, ये तो 5 साल पूरा कार्यक्रम करते हैं, लेकिन जब चुनाव की चुनने की बात है, चुनाव का मतलब क्या होता है, चुनना। अब बाबा साहब को चुनना, गांधी को चुनना कि गोलवरकर को चुनना, तो ये बाबा साहब को चुनते ही नहीं। कांग्रेस भाजपा कह रही है कि वो रिप्रेजेंटेशन देती है, सेल बनाती है, अनुसूचित जाति सेल, अनुसूचित जनजाति सेल, मुस्लिम सेल। देखो ये सेल बनाती है, सेल की क्या औकात है, रिप्रेजेंटेशन है बोलते हैं। अरे सेल की कोई औकात है क्या? वो एनर्जी देता है, लेकिन दिखता क्या? दिखता तो रेडियो दिखता है ना, पूरा वो दिखता है ना, तो सेल की क्या औकात है? सेल एनर्जी है, लेकिन एनर्जी किसको दे रहा है? अपने को नहीं दे रहा ना, बाबा साहब को नहीं दे रहा ना। अब मुझे बताओ, ये इतने पुतले उतले जो बाबा साहब के जो वास्तु ये बन रही है, अभी हमारे गोंदिया में जो है उस पर्दा लगी है कि अग्रवाल जो है वो 1.5 करोड़ का बुद्धिहार बना दिया, अभी दूसरा अग्रवाल वहां पे बोला गेट बना देता हूं। तो मुझे बता कि भैया तू अपने अग्रसन का गेट मोहल्ले में बता रहा, अपने गांव में हमारे, हम बाबा साहब का जो गेट है या बाबा साहब के वास्तु अपने पैसे से नहीं बनाना चाहिए क्या? तो वो क्यों कर रहे हैं मुझे बताओ, उनको बाबा साहब से प्रेम है क्या? तो उनको हमारे वोटों को जो है, यानी बाबा साहब ने जो वोट का अधिकार दिया था, विचार दिया था, वो विचारों को खत्म करने के लिए पुतले बना रहे। तो बताने का मतलब है कि ये जो महाराष्ट्र की बात आपने पूछी है, तो महाराष्ट्र के लोग जो है, ये बहुतायत में सारे लोगों की नहीं, अगर आपके काम में आपके जितने संगठन है, अगर आउटपुट नहीं है आपका, तो हर साल में आ जाते, पॉम्पलेट दे देते। अभी 2000 पॉम्पलेट, 5000 पॉम्पलेट है, एक भी नहीं पड़ा, देखो पैरों में पड़े सब ये। तो ये तो बाबा साहब के विचार, ये पॉम्पलेट नहीं पड़े, ये बाबा साहब के विचार पैरों पे। विचार तो बड़ा अच्छा है बीएसपी का, लेकिन वो सफल नहीं हो रहा है। वहां पर सफल नहीं हो रहा जहां पर फुले शाहू बाबा साहब है, वहां सफल नहीं हो रहा है। देखो सफल कांशीराम साहब ने भी कहा कि पार्टी है ना, चले ना चले विचार बढ़ने चाहिए कि नहीं, आंदोलन चलना चाहिए। तो मैं समझता हूं कि एक पार्टी करके जरूर हम पीछे जा रहे होंगे, ये हमारी गलतियां हो सकती। देखो अभी काम करते समय तो गलतियां होगी ना, कोई डिसीजन कम ज्यादा हो जाते, लेकिन आज जो मैंने कहा कि वैचारिक जो बदलाव इस देश में, वो ड्यू टू बसपा और बसपा और बसपा ही है, दूसरे किसी भी संगठन की औकात नहीं है। कि राइट, लोगों के पास नंबर है, लेकिन वो नंबर वोट बैंक में तब्दील नहीं हो रहा है ना। मुझे बताओ कि बाबा साहब ने बोला कांग्रेस जलता हुआ घर है, ये कांग्रेस को वोट दे रहे हैं, तो इनको तो बाबा साहब समझे ही नहीं है ना। और पढ़ लिख लेना, देखो ये डिग्री ले ली है उन्होंने, ये बाबा साहब की, देखो बेसिक क्या है, बाबा साहब का सेंस कि बाबा साहब क्या बोलना चाहते थे। बाबा साहब ने बोला कांग्रेस जलता हुआ घर, तो ये तो बता दे कि अभी बाबा साहब रहते तो कांग्रेस को वोट देना बोलते थे, बताओ बताओ। यानी अरे बाबा साहब कोई एक समय के नेता नहीं थे, वो सार्वसामयिक नेता थे। बाबा साहब अपनी आंखों से, जैसे दूरबीन होता है ना, दूरबीन, दूरबीन लगाने के बाद में कितने दूर तक अपन देखते थे, तो वैसे बाबा साहब अपने सेंस से दूर तक देखते थे, वो 1500 साल तक देखते थे कि क्या क्या होने वाला है। और ये बाबा साहब को ही नकार रहे कि बाबा साहब की विधवता को नकार रहे, ऐसा कहना कि बाबा साहब होते तो आज कांग्रेस को वोट देते, तो बाबा साहब की विधवता नकार रहे हो, बाबा साहब की विधवता को हम नकार रहे, जब आप ही बाबा साहब की विधवता को नकार रहे तो दूसरे क्यों मानेंगे, है ना। तो विधानसभा चुनाव में क्या मुद्दे है आपके? देखो विधानसभा चुनाव रहे या कोई भी चुनाव रहे, एक ही मुद्दा रहता है कि संविधान, इस देश को में संविधान को मानने वाली कोई पार्टी है तो बहुजन समाज पार्टी। राहुल गांधी बचा रहे राहुल, अब मुझे बताओ, ये तो बीजेपी की दुकान भी 10 साल से हो गई, 50-60 साल तो कांग्रेस की दुकान थी, बराबर है। ये मैं आपको बता दू, अभी प्रफुल्ल पटेल हमारे गोंदिया में सांसद जो करके लड़ा था, अभी आज से 25 साल पहले बाबा साहब के और आज के बाबा साहब,
पार्टी करके हम लोग पीछे गए होंगे। मैं आपको बता दूं कि वो कांग्रेस में था गोपाल प्रफुल्ल अग्रवाल, प्रफुल्ल पटेल, तो एक तरफ बाबा साहब की फोटो छपी थी और उसके राइट हैंड में सोनिया गांधी की चौपड़ी, यानी इतना इज्जत नहीं थी हमारे लोगों की। जब ये बाबा साहब अंबेडकर का नाम भी जो यहाँ पे जो प्रफुल्ल पटेल को वहां के हमारे लोगों ने हराया, जब शास्त्री उम्मीदवार था हत्ती का 1 लाख वोट लिया तो प्रफुल्ल पटेल हारा। हारने के बाद क्या हो गया कि इनको कांग्रेस को समझ में आ गया कि अरे ये तो लोग अभी लिटरेट हो रहे हैं बीएसपी की वजह से, तो उन्होंने बगैर मांगे एयरपोर्ट दे दिया। जब हम 20 साल कांग्रेस के समय में नामांतर मांग रहे थे, नामांतर की क्या बहुत बड़ा यूनिवर्सिटी है क्या, वो एक थोड़ा सा है टापू पहले पुराना बना हुआ, तो उसका नाम मांग रहे थे। 20 साल कांग्रेस ने मारी, हमारे कितने लोगों का मर्डर की कांग्रेस ने, है ना, वो सभी वो कुछ अच्छा भारत देश का नाम मांग रहे थे क्या बाबा साहब जो करके, एक यानी इतने राज्य में एक यूनिवर्सिटी उसका नाम रख रहे थे। और 25 साल तक हमको मारा पीटा, हमारे लोग मरे नामांतर के लिए, और वो भी नाम विस्तार हुआ। इनकी औकात है क्या संविधान बदलने की? अरे ये तो संविधान के दुश्मन है ये लोग। लोग कह रहे कि अब कांग्रेस बदल गई, मेरे को बताओ सांप के बच्चे सांप ही निकलेंगे ना, जो सांप है उसके बच्चे सांप ही। अरे देखो बेसिकली क्या है, बदल गए, मेरे को बताओ बदलना मुझे क्या करना। कांग्रेस ने गांधी को हटाया क्या, बाबा साहब को लाया क्या वहां पर? अगर कांग्रेस सब बदलेगी, जब वो गांधी को छापना बंद कर देंगी, हम गांधीवादी है ये बोलना बंद कर देगी। अरे जब जो गांधी ने 21 दिन का हड़ताल किया, मैं बोलता हूं कि गांधी का जो 21 दिन का हड़ताल है वो अंग्रेजों के खिलाफ नहीं किया, वो बाबा साहब के जो आंदोलन की दो वोटों का अधिकार उसके खिलाफ किया। तो हम देखते हैं कि 21 दिन का हड़ताल वो गांधी ने अंग्रेजों के खिलाफ नहीं किया, बाबा साहब के यानी हमारे अधिकारों के खिलाफ दिया। खाना तो खाते थे दलितों के साथ, दलितों के साथ खाना खाते हैं मुझे गांधी जी खाना खाते थे दलितों के खाना खाना मुझे क्या होना, वो तो कुत्ते के साथ भी खाना खा लेते, कुत्ते के वो जो है ना वो कोई विषय नहीं। खाना खाना मुझे देखो यार एहसान करेगा खाना खाने, इतने गए भी थे क्या? अबे हम उनके साथ खाना नहीं खाते, 2 कौड़ी के लोग 15% उनकी क्या औकात है कि वो एहसान बताएंगे हमारे साथ खाना खा रहे। अबे हम तुम्हारे साथ साले इस देश में तुमको रहने दे रहे, हम तुमको रहने दे रहे, हमारे वजह से तू है तो आप लोग हो। हम जो है एनर्जी उगाते, चावल हम उगाते, सब कुछ हम उगा रहे, राइस मिले इनकी, हर चीज हम कर रहे हैं, और वो हम पे हमने क्या कर दिया, इनको वोट देके पावरफुल बना दिए। यानी अभी आपको बता रहा हूं, अभी हमारे जो GDCC बैंक है गोंदिया में, ये और जो कोऑपरेटिव बैंक है, ये कोऑपरेटिव बैंक में कौन है कि हमारे लोगों को पैसे जाते हैं लेकिन इनमें मालक ये बैठे। अरे भाई हमारे टीचर है या हमारा पैसा है उसमें, तो हर चीज हम करते हैं। अभी देखो कि इस देश में ये बता रहे कि हम दे रहे, अभी ये 8,700 करोड़ रुपए, ये जो दलितों का फंड था ये कांग्रेस, ये जो गवर्नमेंट ने है ना, यही काम जो कांग्रेस करती थी वही करते, वो भी फंड डाइवर्ट करते थे ये भी फंड, और 8,700 करोड़ जो दलितों का SC ST OBC का स्कॉलरशिप का फंड था, स्कूलों का जो भी फंड था, वो फंड लैप्स कर दिए और उसके एवज में 710 करोड़ रुपए बुद्धिहारों को दिए। बोले 710 करोड़ बुद्धिहार, और हमारे चमचे भड़े हुए उनके पाले हुए कुत्ते ये घूम रहे बुद्धिहार बनाओ बुद्धिहार बनाओ बुद्धिहार बनाओ। अरे बहुजन समाज पार्टी की सरकार आएंगे तो गांधी के पुतले बनाएंगे और नोटों पे बाबा साहब और फुले साहब अंबेडकर की फोटो रहेंगी, गांधी के पुतले बनाएंगे हम, क्योंकि मुट्ठी भर लोग हैं, उन्होंने हमारे पास आए भैया गांधी के पुतला बना दो गोल वाला, तो हम बना देंगे, हम तो उदारतावादी लोग हैं, लेकिन नोटों पे फुले साहब अंबेडकर की फोटो रहेगी। आज ये पुतले बना रहे, मुझे बताओ जितने बाबा साहब के पुतले एक जिले में है उतने गांधी के देश भर में नहीं है, लेकिन चलती किसकी है, गांधी की चलती कि बाबा साहब की चलती है, नोट पे फोटो किसकी है? तो सवाल जो है, और मैं तो बोलता हूँ ये यहाँ पे आते बुद्धियार यहाँ पे भक्त लोग, अरे तुम जो है गिड़गिड़ाते हो इनके सामने जाके कि भैया बाबा साहब का पुतला दो, बुद्धियार के लिए पैसे दो, अरे तुम्हारी औकात नहीं कि अपने पैसे, जिस बाबा साहब ने 4-4 बच्चे कुर्बान कर दिए हमारे लिए, उसका पुतला भी तुम साले अपने पैसे से नहीं बना रहे हो, बुद्धियार भी अपने पैसे से, उनके ये गुजराती मारवाड़ी शेठ बनियों के पास जा रहे हो। ये दीक्षा भूमि जो है, ये जो है यहाँ पे कौन आते, एक भी अंबेडकरवादी दिखता है यहाँ पे? फडणवीस, गडकरी, अटकरी, फटकरी सब आते, कभी बहन मायावती को बुलाए? अरे बहन जिस नामांतर में जो इतने साल लगे, बहन जी ने 500 एकड़ में गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी बनाई, ये एक बुद्धिहार मांगते, एक पुतला मांगते 100 फीट में, बाबा साहब ने 3 किलोमीटर इतना बड़ा बुद्ध विहार बनाई, 3 किलोमीटर जाऊंगा 3 किलोमीटर बुद्ध विहार बनाई बाबा साहब ने। अम्बेडकर पार्क जान दो, अम्बेडकर पार्क जाओ, अरे भैया जाके देखो पिक्चर ही देखो, ये इनकी औकात है। यहाँ दीक्षा भूमि में जो पार्क बन रहा है, पार्किंग की व्यवस्था हो रही थी उसको लेकर बसपा ने विरोध किया, ये बताया जा रहा है। देखो बसपा क्यों नहीं विरोध करेगी,
ये क्या है, कुत्ते पाले, ये जो ट्रस्ट, ये समाज का है दीक्षा भूमि, इसमें 5-10 हो गवई जैसे, वो देखो ना उसके लड़के ने भी खिलाफ में उसने हमारे फैसला दिया, बराबर है। हाँ, दिखने को तो महार दिख रही है, एक कांग्रेस बीजेपी में पाले हुए कुत्ते, ये दिखने को हमारे दिख रही है, हमारे नहीं है। भाऊराव बोरकर ने बाबा साहब को हराए, इससे बड़ा इतिहास है कोई? रावण, अगर विभीषण नहीं होता तो रावण हारता क्या? तो मेरा ये कहना है, ये बामन बनिया गुजराती मारवाड़ी की छोड़ो, ये समाज के कुत्ते को पहले गोली मारो। ये समाज में तेली कुनमिस जो हमारे समाज में कुत्ते पैदा हो गए कांग्रेस बीजेपी के, समझे क्या? उनके पैसे लाते और बुद्धियार। अभी मैं गोंदिया में अभी बताता नहीं अभी इसमें, तो हम भी बहुत बड़ा धमाका करने वाले। मैं भी अभी चलो बता देता हूँ, मैं अभी 10 लाख रुपए कल अप्लीकेशन दे रहा हूँ नगर परिषद में कि मुझे अग्रेशन गेट, वो बाबा साहब का गेट बना रहे, मैं 10 लाख रुपए कल अप्लीकेशन दे रहा हूँ और 10 लाख रुपए का मैं अग्रेशन गेट बना रहा हूँ गोंदिया में। नगर परिषद को लेटर लिख रहा हूँ मैं कल कि भैया मेरे को मार्केट में जगह दी जाए, मैं अग्रेशन गेट बनाऊंगा। अरे भैया, बाबा साहब ने सरकार लाने की बातें बताई थी, तुम साले भीख मांग रहे हो? अबे सत्ता ला लो, मैं तो बोलता हूँ 15% लोग है वो मोर्चे निकालेंगे ना, भैया हमारी मांगे पूरी करो हमारी मांगे, ये 85% मोर्चा निकाल रहे हैं। ठीक है, लेकिन फिर अब भाजपा का विकास है, वो कह रहे कि हमने इतना लाडली बहन को दिया, उज्ज्वला गैस दिया, हमका ढमका दिया, तो ऐसे में अब आप इस विकास को कैसे तोड़ेंगे, इन चुनौतियों को कैसे देखेंगे विधानसभा में? देखो, बाबा साहब का आंदोलन भीख का नहीं था, अधिकार का था, बरोबर है? भीख मांगने के गया, बाबा साहब ने भिखारी वाला काम ही नहीं कोई मांगने वाला, बाबा साहब ने देने वाला बताया। अरे चार चार बच्चे जिस आदमी ने दे दिए समाज के लिए, तुम उनको वोट, उसके नाम से वोट भी नहीं दे रहे हो, तुम पैसे भी नहीं देते, उसके नाम से वोट भी नहीं देते, और बस 14 अप्रैल में जब ये आया तो फिर नाचते हो। अरे सबसे बड़े हरामखोर तो तुम हो, जिस आदमी ने चार चार बच्चे दे दिए बाबा साहब ने, उसके नाम से ना तुम पैसे दे रहे हो ना वोट दे रहे हो। तो मुझे बताओ कि तो मांगने वाली जो है, ये तो बाबा साहब के अनुयायी है नहीं, यहाँ एक्टिंग करने आते बहुत सारे लोग। अरे अभी मुझे बताओ, उत्तर नागपुर है, 90% वहां पे ऐसी अपने लोग रहते हैं। मत का मतलब होता है विचार, इलेक्शन किसी एक व्यक्ति का नहीं होता, विचारधारा का चुनाव होता है। अब जब मान के चलो उत्तर नागपुर में 90% लोग SC है, और वोट वहां से कौन जीतता है? गांधी जीतता है, वो व्यक्ति नहीं जीतता कोई, नितिन राउत, उसकी क्या औकात है? वो नितिन राउत नहीं जीतता, वहां पे गांधी जीतता है, वहां पे बाबा साहब हार जाते हैं, वहां पे गोलवलकर जीत जाता है, वहां पे बाबा साहब हार दे। अरे तुम ही बाबा साहब, तुम्हारे मोहल्ले में बाबा साहब को हराते हो तो तुम कहां जीता देंगे? आज हमारे यहाँ पे, हम 5 पार्षद है हमारे यहाँ पे, 30% SC है, मुसलमान को जीता दिया हाथी के नाम पे हमने। तो बताने का मतलब, हम विचारधारा का इलेक्शन है, हम किसी व्यक्ति को वोट नहीं देते, विचारधारा को वोट देते हैं। आज के अंदर जो वोट बैंक अब बसपा का था, वो कांग्रेस के पास है, कैसे वापस आएगा? देखो, हम तो अपने हिस्से का काम कर रहे हैं। हर आदमी ने ये सोचना चाहिए कि अभी हमारे समाज में एक बड़ी बीमारी है, अरे वो नालायक है, ये नालायक है, वो नालायक है। मैं ये सोचता हूं कि भैया मेरे को अपने हिस्से का काम करना है। बाबा साहब ने जो चार चार बच्चे कुर्बान कर दिए, कहीं ना कहीं मुझे भी अच्छी खासी, हमारे बच्चों को अच्छी जिंदगी मिल रही है, तो भैया मेरे को अपने हिस्से का काम करना है। ये खराब है, वो खराब है, वो बहन मायावती उधर जो है ना, तू अपने गांव में तो अंबेडकर बात फैला सकते हो ना भाई, मैं क्या बोल रहा हूँ, हर आदमी ने अपने हिस्से की ड्यूटी करो ना। अच्छा, कुत्ते ने अपने काटा, अपन कुत्ते काटते क्या? लेकिन नालायक आदमी ना दूसरे नालायक का उदाहरण देते हैं, अरे वो आठवले खराब है गवैया, वो तो कुत्ते दिख नहीं रहे क्या? और वो जो है चुन चुन के, अभी देखो यहाँ पे बहुत सारे नेताओं के फोटो लगे, उनकी औकात भी नहीं, फोटो लगे, ये सब बीजेपी के कांग्रेस के पैसे से लगे उनके फोटो, और बसपा हमारे पैसे से चलती, कितना फर्क है? बहुजन समाज पार्टी हमारे पैसे से चलती है, हम हमारे कर्मचारी लोग, वो भी 1% है, वो देते हैं पैसे, हमारे गरीब से गरीब तारे, अभी हमारे पास कितने OBC के लोग हैं, वो बेचारे 10-20 रुपए लेके निकलते हैं। अब बेटा बताओ, बसपा के कार्यकर्ताओं से कोई इनकी औकात है, कोई कंपेयर है क्या इनका मांगने वालों का, भिखारी जैसे? जब देखो, जब मांगने जाएंगे, भैया गडकरी जी दे दो, फडणवीस जी दे दो, भाई मुट्ठी भर लोग हैं, तुम्हारे चपरासी रहना चाहिए उन लोगों ने, और तुम उनको मांगने जा रहे हो। तो बताने का मतलब है कि ये सब जो है, अभी एक बड़ा अच्छी बात है, 2-3 साल पहले मैं यहाँ पे पेंडाल में बैठा था, एक लड़का बता रहा, हिला दिया उस आदमी ने मेरे को, उसकी बात सुन के मेरे को लगा कि मैं कितना बड़ा नालायक हूँ। एक गरीब सतनामी नारायण निराला नाम का लड़का, वो पेंडाल में बैठा था, तो मैं भी थकार के बैठ गया वहां पर, तो दो उत्ते में कैसा है, एक आदमी आया, अपना विद्वान, हमारे समाज का विद्वान आया अपने गोंदिया का, और उसके पास एक ही जैसी 8-10 पुस्तकें थी,
तो मैंने बोला यार ये एक ही जैसी पुस्तक क्यों लिया? तो भैया बोले मेरे को बांटना है लोगों को, बोले बांटता हूँ बोले। तो मैं बोला यार अच्छी, बहुत अच्छी बात है ये बांट रहा तू। तो फिर अभी सामने चुनाव था तो मैंने पूछ लिया नगर परिषद का ही चुनाव था, तो बोला भैया नगर परिषद में क्या? तो भाऊ मैं लड़ रहा हूँ ना बोले। तो बोला कौन सी पार्टी? तो बीजेपी से लड़ रहा हूँ बोले। अबे बोला ये पुस्तक क्यों बांट रहा है तू? ये पुस्तक में नैतिकता लिखी है और तू साले अनैतिक आदमी है। तो ऐसे नकली लोग है ना, मुझे पुस्तक बांट रहा है बाबा। तो वहां पे जब मैं हो कर रहा था तो वहां पे नारायण निराला करके एक लड़का गरीब, वो उसने मेरे को फिर ये भग गया है वहां से, तो उसने मेरे को जय भीम किया। तो उसने बताया, मैं हिल गया। उसने बोला सर बोले मैं भी बसपा का कार्यकर्ता हूँ, सतनामी समाज का हूँ बोले। तो मैंने बोला भैया तू अकेला आया क्या? तो नहीं सर बोले, हम 8-10 लोग आए बोले। क्या हो गया बोले? मेरा 4 दिन पहले मेरा बच्चा मर गया बोले। देखो लड़का 30-32 साल का लड़का, 4 दिन पहले मेरा बच्चा मर गया बोले। तो मेरी आने की इच्छा नहीं थी बोले। देखो वो हिला दिया उसने। तो मेरे दोस्त लोग आ रहे थे बोले, तो मुझे भी रह के नहीं हुआ बोले। फिर मेरे ध्यान में आया बोले कि यार बाबा साहब के तो 4-4 बच्चे मर गए। तो मैं हिम्मत आई बोले, तो आया लोगों के बच्चे देख रहा हूँ ये कर रहा हूँ। तो फिर घूमा बोले, मैं बाबा साहब को सलाम किया और बैठा हूँ बोले, मैं थका के वो याद आ रही बच्चे की। लेकिन बोले यहाँ बैठे बैठे भी मैं ये देख रहा हूँ कि ये महाराष्ट्र में इतने खाए पिए ताजे लोग हैं, कितने सुंदर लोग दिखते हैं ना, खाए पिए ताजे लोग। बोले इतने हमारे छत्तीसगढ़ में है ही नहीं भैया, इतने पढ़े लिखे इतने ताजे लोग हैं और फिर भी यहाँ एक भी बार बाबा साहब ने जीते, जबकि हमने छत्तीसगढ़ में 10-10 बार बाबा साहब ने 10 विधायक बने बाबा साहब के नाम पे। तो बोले हमने बाबा साहब के 10 बार बाबा साहब को जिताया बोले। बताओ ये कितने बड़ी शर्म की बात है। बाबा साहब ने इसलिए वोट कादी कर दिया था कि आप कांग्रेस को मारो, बीजेपी को वोट मारो। अरे कुत्ता खड़ा रहे ना, तकलीफ क्या है? आप व्यक्ति को वोट नहीं मारते। बीएसपी की तरफ से फाइनल कमेंट चाहेंगे। फाइनल कमेंट ये है, अगर तुम, मैं बसपा से मेरा कोई लेना देना नहीं है, बसपा का जिला अध्यक्ष वहां तक ठीक है, मैं ना बसपा के लिए काम करता ना बहन मायावती को प्रधानमंत्री बनाने के लिए काम नहीं करता। बहुजन समाज को उनके हक अधिकार मिलने चाहिए इसलिए काम करते हैं, और इसलिए बसपा भी काम करती है, बहन मायावती भी काम करती है। किस लिए? समाज के लिए। तो आज मुझे बताइए कि इतना बड़ा समाज है तो यही बसपा का एकमात्र उद्देश्य है, तो व्यक्ति के लिए काम नहीं कर रहे ना, संगठना के लिए काम कर रहे। एक व्हीकल लगेगी कि नहीं अपने को? तो बसपा को मैं सिर्फ एक व्हीकल देखता हूं और बसपा से बड़ा संगठन नहीं है। कल अगर बसपा से बड़ा कोई संगठन मेरे को दिख जाए इस देश में, जो इनके, अब देखो आज बहन मायावती कोई स्टेटमेंट देती तो पूरे देश में सर्कुलेट होता है, ये आठवले गाठवले फाटवले ये देते थे, कोई आता है क्या यहां से वहां पे? कोई कोई कॉग्निजेंस उनका? तो बहन मायावती इसलिए, उसके भी कई गलतियां होती होगी अब नेता करके, तो बहुत सी चीजें। तो हमको संगठन महत्वपूर्ण है। इतना बड़ा संगठन एक रात में बन जाएगा क्या? मुझे बताओ। चलो हम बसपा को खत्म करते हैं, चलो बहन मायावती की कुछ गलतियां हो रही है ठीक है, तो खत्म कर दो। फिर बताओ कहां है तुम्हारे पास ऑप्शन? बहुजन समाज पार्टी की जितनी जरूरत बहुजन समाज को है, उस बहुजन समाज को ज्यादा बहुजन समाज पार्टी की जरूरत है, बशर्ते बहुजन समाज को, पार्टी को बहुजन समाज की। मैं समझता हूं कि समाज को, क्योंकि व्हीकल है। आज हम लोग यहाँ पे आए नागपुर से कार से, अगर कार नहीं होती तो पैदल आना पड़ता, दूसरे एक हफ्ते में आ जाते, तो व्हीकल है। तो तुम्हारे पास जितना बड़ा संगठन रहेगा उतना तुम जल्दी जाओगे ना। तो बसपा क्या है? ये तुम्हारा व्हीकल है। बसपा की औकात व्हीकल से ज्यादा नहीं है। हम किसी व्यक्ति के लिए काम नहीं करते, किसी नेता के लिए काम नहीं करते, हम बहुजन समाज को उनके संवैधानिक हक दिलाने के लिए काम करते। तो यही जो है आप जो फाइनल कमेंट मेरा है। हमारे साथ थे बहुजन समाज पार्टी के जिला अध्यक्ष सुनील भने जी, जिनकी तेज तर्रार और तीखी मिर्ची वाली बातें आपने सुनी है। क्या कुछ आपका मानना इन तमाम चीजों को लेकर, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहे नेशनल चौपाल पर, तब तक के लिए जय भीम जय भारत।